होटल पे कोई सुरक्षा नहीं रहती है, गार्ड कभी रहते नहीं है। हम लोग कॉल भी करते हैं, कोई अटेंडेंट अगर ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं, वो लोग चार पांच आ जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, तब नहीं गार्ड मिलते नहीं है, लाइटिंग नहीं है, प्रॉब्लम। बंद करो ये अत्याचार। पीएमसी या अस्पताल में लोगों से बातचीत करते हैं, क्या मांगे मांगे हैं कि जो भी लोग आरजी कार में जो भी हुआ सरकार उसका विरोध करे, अपराधियों को पकड़ा जाए, तभी हम लोग काम पे जाएंगे। तो दूसरों को बचाते हैं लेकिन उस डॉक्टर को कोई नहीं गया और अभी तक कल्प्रिट्स को सजा नहीं मिली है, क्या बोली? बहुत दुखदाई है, पेनफुल है, ड्यूटी आवर में इस तरह का मर्डर और रेप होना, बताइए। हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड है क्योंकि जब हमारे वर्क प्लेस में हमारे लिए सेफ्टी नहीं है तो हम दूसरे लोगों का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। डॉक्टरों की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लड़कियों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, 24 घंटे लड़कियाँ महिलाएँ काम करती हैं अस्पताल में, उनको सुरक्षा मिलेगी तभी हड़ताल वापस। कुछ सिक्योरिटी यहाँ पर अच्छे से नहीं है, हम लोग हमेशा अटेंडेंस के फर्स्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं और हमेशा हम लोग को कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाता है, कभी हाथ उठाने का भी कोशिश कर ऐसा भी होता है। चौराहे पे बीच चौराहे पे फांसी दीजिए चीज दे में लसन, दिस इज वेरी बैड। बीच चौराहे पे ये लोग फांसी की मांग, बीच चौराहे पे फांसी की मांग, चौराहे नहीं मतलब कहने का है कुछ को इमीडिएट मिले सजा। देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं आपके साथ मानसी। कोलकाता रेप केस को लेकर पूरा देश भर में गुस्सा है, हर कोई कैंडल मार्च निकाल रहे, हर लोग वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे। इस वक्त पीएमसीएच अस्पताल में है, लोगों से बातचीत करते हैं, क्या मांगे हैं? मांगे हैं कि जो भी लोग आरजी कार में जो भी हुआ सरकार उसका विरोध करे, अपराधियों को पकड़ा जाए, तभी हम लोग काम पे जाएंगे। तो कोलकाता में डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है, यहाँ कुछ क्या बदलाव होने चाहिए? सुरक्षा, डॉक्टरों की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लड़कियों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, 24 घंटे लड़कियाँ महिलाएं काम करती हैं अस्पताल में, उनको सुरक्षा मिलेगी तभी हड़ताल वापस होगा। जब तक नहीं सुरक्षा मिलेगी तब आप ही बताइए, बिना सुरक्षा है कैसे काम हो सकता है? अगर रोज हाथ उठाए जाएंगे तो लोग इलाज कैसे कर पाएंगे? क्या क्या मांगे? हमारी मांगी सेफ्टी को लेकर है। आप यहाँ हॉस्टल में रह रही हैं? हाँ जी, हम हॉस्टल में रहते हैं। आपके हॉस्टल में सुरक्षा व्यवस्था कैसे और क्या कुछ सुरक्षा? नहीं, ग्राउंड लेवल पे कोई सुरक्षा नहीं रहती है, गार्ड कभी रहते नहीं है, हम लोग कॉल भी करते हैं, कोई अटेंडेंट अगर ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं, वो लोग चार पाँच आ जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, तब नहीं गार्ड मिलते नहीं है, लाइटिंग नहीं है प्रॉपर, कुछ नहीं है। ट्रेनिंग डॉक्टर हॉस्टल में रहती हैं जी, क्या क्या मांगे हैं? हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड है क्योंकि जब हमारे वर्क प्लेस में हमारे लिए सेफ्टी नहीं है तो हम दूसरे लोगों का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? जो अटेंडेंट्स है वो भी अग्रेसिव हो जाते हैं, जिसका जो मन करता है वो करते हैं, यहाँ सिक्योरिटी सर्विसेज नहीं है, तो हमारी बस ये डिमांड है हमारी वर्क प्लेस पे आप सिक्योरिटी अश्योर करें। बातें करती हैं तो ढंग से बात किया जाता है या फिर उसमें भी बदतमीजी की जाती है? वो तो देखिए सबका IQ लेवल सेम नहीं होता है तो उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, कुछ लोग हैं, अब हर एक को हम नहीं कह सकते, पर ठीक है हम लोग ट्राई करते कि हम अच्छे से बात करें, पर कुछ लोग हैं जो पूरी गैंग लेके आ जाते हैं तो तब हमारे पास कोई सिक्योरिटी कुछ भी नहीं होता। पूरी गैंग लेके आ जाते हैं तब सिक्योरिटी कुछ नहीं होती है? बिल्कुल भी नहीं। रैगिंग भी होती है क्या? नहीं नहीं, रैगिंग नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लड़कियां हैं जिनकी जस्टिस की मांग है, क्या क्या मांग है? हम लोग का एक कुछ सिक्योरिटी यहाँ पर अच्छे से नहीं है, हम लोग हमेशा अटेंडेंट्स के फर्स्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं और हमेशा हम लोग को कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाता है, कभी हाथ उठाने का भी कोशिश कर ऐसा भी होता है कि वर्क प्लेस पे कभी कभी वो लोग इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि हम लोग पे हाथ उठाने के लिए भी आ जाते हैं। अच्छा, हाथ उठाने पर भी आ जाते हैं, इतने अग्रेसिव हो जाते हैं? ऐसा है, ऐसा सेंसिटिव मैटर है ये, कभी भी पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप ऐसा सेंसिटिव है कि ऐसा हो सकता है, और कभी भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग के पास प्रॉपर सेफ्टी के कुछ भी मेजर्स। महिला हैं आपकी, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर क्या मांगे हैं? जैसा कि कोलकाता रेप कांड अभी हर किसी के जुबान पर है, पूरा देश गुस्सा में है, तो क्या मांगे करती हैं? एकदम दोषियों को एकदम स्ट्रिक्ट सजा मिलनी चाहिए, उनको पब्लिकली हैंग कर देना चाहिए, पब्लिकली हैंग कर देनी चाहिए, उनको सजा सरकार ना दे, पब्लिक के हैंग कर दे, फिर पब्लिकली पकड़ के हैंग कर देना चाहिए। तब ना उन तो सब बाहर चला गया है, तीनों को भगा दिया गया है, जो तीन मेन कल्प्रिट थे वो इंडिया छोड़ चुके हैं, तो उनको पकड़ के कहाँ से पकड़ना, इतना आसान है जब तक कि एकदम हैंग टिल डेथ बीच में कुछ नहीं, पकड़िए पब्लिकली चौराहे पे जाके फांसी दीजिए, बीच चौराहे पे फांसी दीजिए, टी दे में लेसन,
दिस इज वेरी बैड। बीच चौराहे पे ये लोग फांसी की मांग कर रही है, बीच चौराहे पे फांसी की मांग कर रही है। चौराहे नहीं मतलब कहने का है कि उसको इमीडिएट मिले सजा, है ना, फांसी की। कितने दिन गुजर गए हैं अभी तक? आप टेम्पर कर रहे हैं, आप बाथरूम तोड़ रहे हैं, आप दीवार से उसका सारा जो हैंड प्रिंट है वो हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? कैसा देश है ये, कैसा इंडिपेंडेंस है ये? उनको भी उसी तरह की सजा मिले जो लोग बचा रहे हैं इस कांड को, जो कि गुंडे लोग रात में आके डॉक्टर को पिटाई किए हैं और सारा एविडेंस को, सारे एविडेंस जो भी था बाथरूम का, इधर का उधर का, सारा डिस्ट्रॉय किया। वैसे राजनीतिक को भी फेंक करना चाहिए, वैसे द फीमेल लीडरशिप ऑफ दैट एसेट शुड रिजाइन। व्हाट अ फीमेल सी इज, व्हाट टाइप ऑफ फीमेल इज शी, शी शुड रिजाइन। डॉक्टर्स जो दूसरों को बचाते हैं लेकिन उस डॉक्टर को बचाने कोई नहीं गया और अभी तक कल्प्रिट्स को सजा नहीं मिली है, क्या बोलेंगे? बहुत दुखदाई है, बहुत पेनफुल है। ड्यूटी आवर में इस तरह का मर्डर और रेप होना, बताइए, कोई सिक्योरिटी नहीं, बचाने वाला कोई नहीं, ये बहुत ही दुखदाई है। कैसे डॉक्टर ड्यूटी करेगा रात के अंधेरे में अकेले में? क्या क्या सुरक्षा की मांग करती हैं? हम लोग अपने वर्क प्लेस सेफ्टी की सबसे पहली मांग है कि हमारे वर्क प्लेस पर जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ पर हम लोग सेफ महसूस करें, क्योंकि हमारी यहाँ पे ऑड आवर्स में ड्यूटी लगती है, यहाँ पे पेशेंट को एक्सेस है डॉक्टर्स के पास आने का। तो हमारी मेन मांग यही है कि हमें सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, पहली मांग सेफ्टी। बिल्कुल, ट्रेनी डॉक्टर हैं जी, क्या मांगे कर रही हैं? सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट से हमारी मांग है कि वो दें, क्योंकि हम लोग को क्या, पूरे वुमेन सेफ्टी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इंडिया में जो भी हो रहा है अभी तक जस्टिस नहीं मिला उन्हें जिनके साथ ये हुआ है, और भी वुमेन बहुत सारी जिनके साथ ये हो रहा है। हम चाहते हैं कि वो अत्याचार रुके, कोई ऐसा कानून बनाए जिसके कारण रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए ताकि दोबारा कोई ऐसा करने की कोशिश ना करे। डॉक्टर्स भी अब सुरक्षित नहीं है? जहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं वहाँ पे प्रॉपर ढंग से रहने की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ पे डॉक्टर के रेस्ट करने की व्यवस्था नहीं होती है। तो सेंटर पर जो भी है डॉक्टर्स जहाँ भी काम करते हैं वो सारा व्यवस्था सरकार को मुहैया कराना चाहिए। तो आपने देखा ये तमाम लोग हैं, पीएमसीएच में ट्रेनी डॉक्टर्स के द्वारा ये मार्च निकाला गया है, हर तरफ यही नारा गूंज रहा है, वी वांट जस्टिस। सब लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।